कैसे हैं आप सब लोग, आपको सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं शुगुप्ता अली और वोकेशनल विंग सेंटर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम एमएस वर्ड के अंदर एक बहुत ही नाइस टेम्पलेट गो थ्रू कर रहे हैं जिसका नाम है इन्फोग्राफिक। अगर आप इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हो उसके लिए आप लाजमी अपने पेज का जो साइज़ है उसको आपको या ओरिएंटेशन को चलें लैंडस्केप रखना होता है, A4 लेने पेजेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर मैं कुछ शेप लूँगी, आई कैन टेक इट हेयर द सर्कल, इसको यहाँ रखते हैं। इसी के साथ साथ कुछ राउंडेड रेक्टेंगुलर लेंगे हम, थोड़ा सा इसको और राउंडेड कर देंगे इन दिस साइज। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 लूँगी रेक्टेंगुलर। मेक अ कॉपी बाय प्रेसिंग ऑल्टर। ट्राई टू मेक दिस सिमिलर, गैपिंग आपने सिमिलर रखनी। ठीक है, इनको सेलेक्ट कर लीजिए बाय प्रेसिंग कंट्रोल। सबको मैंने कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा हम शेप के नियर इसे करा इस तरीके से। सो आई एम गोना ऐड द सर्कल इन दिस स्टाइल। ठीक है, अगेन सेलेक्ट द सर्कल एंड बाय सॉरी कंट्रोल एंड ड्रैग। कंट्रोल एंड ड्रैग, तो जो एडजस्टमेंट नहीं है आप सिंपल एरो की से सेलेक्ट करके थोड़ा सा उसको जूम करूँ, एडजस्ट करूँ अपने सर्कल्स को, सेलेक्ट करके एरो की से मूव करी हूँ मैं ताकि वो बिल्कुल एडजस्ट हो। ठीक है, लाइक दिस। पर इसी तरीके से इस पर आता है अंदान प्लस एरो की यूज़ करें, बहुत ईजी तरीके से हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं आपके सामने। ओके, now it's complete. Again, edit करते हैं सर्कल को, लास्ट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट मैंने डिलीट करना है, डिलीट नहीं करते इसको, यहाँ हार्ड डिस्क। इसी के इनसाइड में हमने एक सर्कल जनरेट करना बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्टर। सो मैं इस शेप को वाइट कर दूंगी। आउटलाइन हम किसी के भी नहीं रखेंगे, लाइक दिस वे। यहाँ पर आ जाते हैं, इन सबको बाय प्रेसिंग कंट्रोल सेलेक्ट कर लिए हैं कि मैं सिर्फ पहले इनके कलर्स ले लेता हूँ। कलर बिकम वाइट एंड आउटलाइन ही की नो आउटलाइन, लाइक दैट। हल्का सा ट्रांसपेरेंसी का लुक देंगे ऐसे करके। इसी के साथ साथ आप जो है वो लाइन टू लाइन शेप का जो फिल है वो मैं बंद कर रही हूँ सर्कल्स का और लाइन में इनकी ब्लैक। बहुत ही इजी मेथड है जो हम गो थ्रू कर रहे हैं। कंट्रोल जी फुल ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप, मैं एक बैक वक्त में आप बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते तो ये मिस्टेक हो जाती है। नाउ बाय प्रेसिंग ऑल्टर ओके चेंज योर रोटेशंस लाइक दैट। So you can see easily, we can easily design the samples like this way. तो आप कोई भी इन्फोग्राफिक बहुत ही आसानी से इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके,
और ऐसा इसको कर्व दे देते हैं इन द सेंस. ओके जी, सो आवर डिजाइन गोइंग टू कंप्लीट. सो इम्प्लीमेंट सम टैक्स हियर. अच्छा, इसी में डायरेक्ट नहीं करना है, टेक अनदर शेप. लेफ्ट क्लिक, टैक्स 01. So increase the size. फॉर्मेट पर आता है. अच्छा, कलर इसका मैं चेंज कर रही हूँ. फल के लिए सिंपल इजीएस्ट वे है, एक बना दिया बाय प्रेसिंग कंट्रोल ड्रैग करें. नाउ ओके, अब करना क्या है? सबसे इजीएस्ट वे सेंटर में हमने एक चीज ली हुई थी, लैप क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते हैं. स्टेप्स कलर बिकम ब्लैक. कन्वर्ट इनटू अपर कैस्ट, इंक्रीज द साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें. सेलेक्ट नंबर वन शेप, फॉर्मेट शेप फल दिस वन. And no outside again. अच्छा, बड़े अच्छे अच्छे से कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें से मैं कर रही हूँ. ओके, सो बोर्ड फिल पर आकर, स्टैंडर्ड पर आकर बहुत अच्छे अच्छे कलर्स इफ यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट तो आप यहाँ से उठा सकते हैं. तो शेप आउटलाइन क्योंकि आपने बन के रखी हुई है तो वैसे ही काम करेगी इसी के साथ साथ. पर्पल ओके, ईजीएस्ट पे क्या मुझे भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहिए. देखिए, सारे जो भी कलर आपने इंप्लीमेंट किए वो सारे यहाँ जाएंगे, तो इस तरीके से आपका कलर चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा. यहाँ गए सारे कलर, तो ये इस कलर में है, आप उस कलर को सेलेक्ट कीजिए. तो ये बहुत ही ईजी है एम एस वर्ड के अंदर ये ट्रिक, कि आप अगर आपको एक दफ़ा आपने कलर जो रेलिवेंट कलर्स हैं अगर वो आपने सेलेक्ट करनी है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत आसानी से फिल आउट कर सकते हैं. तो अब हम इंसर्ट पर आते हैं और कुछ आइकन्स ऐड कर लेते हैं. सो इंसर्ट आइकन्स पर आ जाते हैं. सो यहाँ से हम देखिए टारगेट, कुछ बिजनेस आइकन्स यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं. ओके, मैं इंसर्ट करती हूँ. इन सारे आइकन्स को मैं वाइट कलर इम्प्लीमेंट कर रही
सीरियसली काम आप कीजिएगा, फिर मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये वर्क, और आपके सामने कितनी अच्छी इंफोग्राफिक वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, और कितनी आसानी से आइकन्स जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। सो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी ये काम के अंदर, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने टूल अवेलेबल कर दिए हैं जो एक अच्छी जो है वो हेल्पफुल है और या डिज़ाइनर्स, वर्कर्स, डेवलपर्स। सिंपल मैं एक टैक्स बॉक्स ले रही हूँ, सम टैक्स हेयर, सिंपल हम यहाँ पर एक डमी टैक्स ले रहे हैं, उसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इजीएस्ट वे, इस तरीके से आप बहुत अच्छी अच्छी इंफोग्राफिक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर हम थोड़ा सा टैक्स ऐड कर देते हैं इंफोग्राफिक का, सो इस इंफोग्राफिक को आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पर भी यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। I'm gonna give font tags central increase the size. So I hope lecture clear ho gaya hoga, video ko like karna, channel ko subscribe karna aur bell icon ko press karna mat bhuliyega. Apna bahut sara khayal rakhiyega. Allah Hafiz.